प्रोविजन में पढ़े थे हम लोग ओम्स स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, वो भी पढ़ लिए। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग अभी कि कंसेप्ट स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ में पढ़े थे हम लोग कि बी प्रोपोर्शनल टू होता है आई के, पढ़े थे प्रोपोर्शनल साइन हटेगा क्या लिखेंगे, बी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आई इंटू आर के। आर क्यों आया, क्योंकि आर को कहते हैं हम लोग प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। अब क्योंकि ये सिंबल तब यूज हुआ है जब प्रोपोर्शनलिटी हटा है। अब ये चीज कब देखा गया है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तब हमने देखा गया है कि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ती है, और जब ये दोनों वैल्यू बढ़ती है तो किस रेशियो में बढ़ती है, आई के रेशियो में बढ़ती है। इसको लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई I इक्वल टू होगा R। तो हम लोग कहेंगे अगर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू ये लिख सकते हैं R इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट, ठीक। अब क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज का यूनिट क्या होता है वोल्ट, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। तो जब अगर वोल्टेज का करंट हो गया वोल्ट और करंट का हो गया एम्पियर, तो इस हिसाब से जो हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या कहेंगे, वन ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वन ओम के इज इक्वल्स टू वन वोल्ट बाय वन एम्पियर। क्यों लिखा वन वोल्ट बाय वन एम्पियर, क्योंकि ये होता है वन वोल्टेज बाय वन करंट, इसलिए हम लोग बोलते हैं वन ओम इक्वल्स टू वन वोल्टेज बाय वन एम्पियर। पास में आई ये के फॉर्मूला, इसके लिए हमने यूज किया है R इक्वल्स टू V बाई आई। क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल्स टू I बाई V, ये सही है या ये सही है, ये सही है कि ये सही है बताइए। तो अब लोग वोल्टेज बाय करंट सही है, ये भी करंट बाय वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज बाय करंट होना चाहिए, ये सही होगा। ऐसे लिख रहे हैं मतलब आप कंसेप्ट को याद नहीं कर रहे हैं, करंट हाँ। इसका ऐसे कभी बुक में दिखा हो तो इसको रॉन्ग कहेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। वोल्टेज बाय करंट का रेशियो ही हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो कि कंजर्व होगा मतलब कांस्टेंट होगा, वैल्यू बदलना नहीं रहेगा, दोनों का वैल्यू बदलना नहीं होगा। इसका मतलब जैसे हम लोग बोले R इक्वल टू हो गया 2 वोल्ट बाय 2 एम्पीयर, अब मैंने उसको 2 वोल्ट बाय 2 आई लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं देखो 2 वोल्ट बाय 2 एम्पीयर। तो ये जो वैल्यू बदलती रहनी चाहिए, मतलब 1:1 आया, अब मान लो जैसे 4 वोल्ट बाय 4 एम्पीयर होना चाहिए, मतलब ये चीज हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको कहते हैं कांस्टेंट होना, वैल्यू बदल रही है ना, 2 से 4 हो गया, 6 से 17 हो सकता है, लेकिन ये रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अभी हम लोग ग्राफ में समझेंगे क्यों ये सेम हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसे पहले क्लास में पढ़ रखे हम लोग, पढ़ रखे ना पिछले क्लासेस में, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं बी और आई ग्राफ कहाँ से आया है, हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ स्टेटमेंट समझ लिए थे, उसके बाद हमें समझने जा रहे हैं आप स्टेटमेंट STATEMENT, ठीक है। तो जो बी और आई ग्राफ स्टेटमेंट ओम्स लॉ से डिराइव होता है, जो हमने पहले प्रीवियस 2 मिनट्स में बता दिया था। तो हमने पढ़ा वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट है, करंट को हम लोग आई से लिखते हैं। तो अगर हम क्योंकि हम पढ़ रखे हैं कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, इसको ऐसे लगा रखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े हैं वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये कौन सा एक्सिस होगा, अगर हम ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछे तो वाई इक्वल टू एम एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि पासिंग ओरिजिन से होता है। पता होगा ये बात कि जो वाई इक्वल टू एम एक्स ऐसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब इसी चीज का हम हेल्प करेंगे इस चीज को डिराइव करने में, क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू x है, यानी इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये मान लीजिए y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। अभी हम इसको कुछ देर के लिए रोक रखे हैं, अभी हम पहले समझा रहे हैं कि y इक्वल टू mx लाइन का क्या कांसेप्ट है, कि अगर कोई हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, इसमें हमारा ये y एक्सिस है पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y डैश, ये x एक्सिस इधर x डैश, अगर इसमें हम कोई लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा पास होगा, समझाई बात। इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू mx। अब ये बात कैसे होगा मैथमेटिकली, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम इक्वेशन लेते हैं y इक्वल्स टू 2x,
इसका हम बना रहे हैं कोऑर्डिनेटेड एक्सिस। क्या करेंगे, पुट कीजिए यहाँ पे वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई पुट करो यहाँ पे कुछ वैल्यू, वन पुट करते हैं, एक्स क्या आएगा, वन बाई टू आएगा। अगर वाई की वैल्यू वन पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी वन बाई टू, फिर अगर हम एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, टू, फिर एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं मान लो क्या, वन बाई टू, एक्स वन बाई टू पुट करते हैं तो वाई क्या आएगा, वन। मतलब क्या हो रहा है, वन टू वन बाई टू वन बाई टू वन टू वन टू चल रहा है। अगर अगली वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें हम वन, कौन सा वन पुट कर चुके हैं, वन बाई टू पुट कर लिए हैं, अब यहाँ वन बाई टू पुट करते हैं, वाई वन बाई टू पुट करेंगे तो नहीं, ये अलग आंसर देगा, छोड़ दीजिए इसका जरूरत नहीं है हमें, ठीक। अब इसको हम जा रहे हैं कोऑर्डिनेटर एक्सिस पे दिखाने का, इस कोऑर्डिनेटर एक्सिस को हम इस पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन, ये है एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक। अब ये पॉइंट मान के वन टू थ्री फोर, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। मैथ्स में वही बात होता है, फिजिक्स में भी वही बात है, ये वन ये टू ये थ्री ये फोर, ये माइनस वन ये माइनस टू ये माइनस थ्री और माइनस फोर। अब पहला कोऑर्डिनेट बोल रहा है ये एक्स में है वन बाई टू और वाई में कितना है, अगर ये वन बाई टू नहीं लग रहा हो तो इसको ऐसे लिख लीजिए, वन डिवाइडेड बाई टू, एक्स में है वन बाई टू यानी एक्स है जीरो पॉइंट वन, यहाँ वन बाई टू यहाँ होगा, वाई में है वन तो ये पॉइंट हो गया हमारा, कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि वाई के सामने ये पॉइंट आएगा और एक्स के सामने ये, दोनों मीट करेगा इस पॉइंट पे। अगला कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू वन, एक्स वन ऊपर गए और वाई की वैल्यू टू, ये वाई वैल्यू टू, ठीक। अगला है एक्स की वाई, एक्स की वैल्यू वन बाई टू वाई की वैल्यू वन, वो तो ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे, और कोई वैल्यू है नहीं है तो इसको जोड़ दीजिए, जोड़ सकते हैं ऐसे, यानी ये लाइन इस तरीके से पास कर रहे हैं, तो नहीं बात। अगर मैं कोई और क्वेश्चन लेता हूँ उसका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन ये इक्वेशन बन गया हमारा वाई इक्वल टू टू एक्स का। इस चीज को मैथमेटिकली हम समझा इसलिए पड़ा क्योंकि मैं जो इसका ग्राफ बनाऊंगा वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसको देखिए, ठीक है, स्लोप ऑफ डेल्टा आई वर्सेस डेल्टा वी का मतलब हम लोग अभी जो है हम लोग एक एक्सिस बनाएंगे कोऑर्डिनेटर एक्सिस जिसमें हम करंट और वोल्टेज को दिखाएंगे कैसे ये मूव करता है। तो हमने भी लिखा है पहले आई और फिर वोल्टेज वी, तो इसको हम लिखेंगे पहले वाई एक्सिस में, क्या लेंगे, वोल्टेज नहीं करंट लेंगे, तो आई लिखा मैंने वाई एक्सिस में और वोल्टेज हो गया एक्स एक्सिस में, ठीक। अब यहाँ पे डेल्टा का मतलब है चेंज, चेंज का मतलब होता है कोई दो पॉइंट के बीच में चेंज है। अब इसका हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे उसने बनाया थे ऐसा ऐसे बना लीजिए, जैसे हो गया हमारे लिए एक जगह करंट और इस तरह हो गया वोल्टेज, ठीक। अब यहाँ पे करंट और वोल्टेज का रेशियो जैसे आई या वी है, अगर यहाँ 2 एम्पियर है तो यहाँ पे 4 वोल्टेज हो सकता है, यहाँ पे 5 एम्पियर है तो यहाँ पे 10 एम्पियर 10 वोल्टेज होता है। रेशियो नहीं बदलना चाहिए, लेकिन 2 और 4 का वैल्यू बदल रहा है लेकिन रेशियो नहीं बदलना चाहिए। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं 10 एम्पियर तो यहाँ पे हो गया 20 वोल्ट, रेशियो नहीं चेंज हो रहा है, ध्यान देना, और ये नहीं बदलना चाहिए, मतलब ये सारी जगह ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया करंट, ये हो गया I और ये हो गया वोल्टेज ये, तो हमने 2 और 4 का ऐसे मान लो 2 एम्पियर करंट है और वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो हम लिखेंगे 1 बाई आर, क्योंकि हम लोग आर बढ़ते हैं वी बाई आई, कुछ देर पहले मैंने बताया था आर इक्वल टू वी बाई आई, लेकिन अभी मैं क्या लिख रहा हूँ कि पहले मैंने लिया है करंट फिर लिया मैंने वोल्टेज, तो अब क्या हो जा रहा है कि क्योंकि करंट पहले है और वोल्टेज नीचे है तो रेजिस्टेंस जो है वो उलट जा रहा है, कैसे, अगर सोचो इसके नहीं कुछ नीचे वन इसको उधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ, कॉस मल्टीप्लाई किया क्या आएगा ये आर इंटू आई इक्वल टू वी, ठीक है। अब मुझे ये लिखना है आई डिवाइडेड बाई वी, तो क्या लिखूंगा, वन डिवाइडेड बाई आर, आई डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई आर, यही होता है रेसिप्रोकल ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज बाय 1 बाय रेजिस्टेंस। इसी चीज को हम यहां दिखाना चाह रहे हैं, तो अगर मैं लिखूंगा यहां पे 1 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू तो क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय r इक्वल्स टू डेल्टा i बाय डेल्टा v, यही फार्मूला है, इसी को हम यहां भी प्लॉट करेंगे, इसलिए बताइए वैल्यू क्या आएगी इसकी, यहां लिखेंगे हम डेल्टा i डिवाइडेड बाय डेल्टा v, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा 1 बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा 1 बाय 2, 10 डिवाइड बाई 20 क्या आएगा 1 बाई 2, सेम आ रहा है, ये किसकी वैल्यू है, ये 1 बाई 2 आर की वैल्यू है। अगर कोई पूछे आर क्या है तो कांस्टेंट है हर जगह, क्या बोलिएगा, आर क्या है, कांस्टेंट है हर जगह पे,
कौन है? निकल गया वो कौन सा? हमने माना कि करंट और एम्पीयर जो वोल्टेज है दोनों की रेशियो एक रेशियो रेशियो में बढ़ रही थी। अब हमने अलग सर्किट बनाया जिसमें क्या है रेशियो कुछ और हो सकता है लेकिन वो कांस्टेंटली इंक्रीजिंग रहेगा, बस कांस्टेंट रहेगा। जैसे 4 एम्पीयर करंट लिया इज प्रोपोर्शनल टू 8 वोल्टेज, ये भी एक सर्किट हो सकता है जहां पे इनका रेशियो क्या आ रहा है 1:2 आ रहा है, आ रहा है। तो अगर इस सर्किट की बात करें तो इसमें वो रेशियो 1:2 आ रहा है लेकिन इस सर्किट में रेशियो है 1:1। इस केस में भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसमें भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब जब इसके हम 4-5 ऑब्जर्वेशन लेंगे, ठीक है। मतलब मेरे को दो आदमी स्टूडेंट भेजा, मतलब एग्जाम में क्या होता है दो सर्किट बनाते हैं, एक सर्किट बोलते जाओ तो अपना सर्किट बनाओ, तुम भी एक ग्राफ बना के लेके आओ। ग्राफ जनरली क्या होता है आपको 4 ऑब्जर्वेशन लेके आने पड़ते हैं, उन 4 ऑब्जर्वेशन को जब आप प्लॉट कीजिएगा तो आपको एक कांस्टेंट लाइन बनेगा, ठीक। अब उसके बीच का इंटरवल क्या होगा, कुछ कांस्टेंट ही रहना चाहिए, बस इसी चीज को ध्यान रखता है टीचर, चाहे वो रेशियो 1:1 का हो या 1:2 का हो, बस बस समझ में कोई डाउट है इसमें? अब इसको हम प्लॉट कर रहे हैं इस ग्राफ पे, तो हम पहले क्या लिया 2 एम्पीयर 5 एम्पीयर 10 एम्पीयर, तो कुछ इसे बीच में वैल्यू ले लेते हैं जैसे वैल्यू एक ही आया। हां अभी देखते हैं वोल्टेज क्या लिया हमने, यहां पे वोल्टेज लिया है तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट बड़ा ले रहे हैं इसलिए ताकि हमको ग्राफ अच्छा बन सके। ये आ गया 4 फिर 5 ये 6 7 मान लो यहां पे आके 10 कर लिए बोल दिए, ठीक। अब यहां स्टार्टिंग करते हैं एंपियर है इधर 1 एंपियर यहां डाल दो लास्ट में एंपियर 1 2 3 डॉट 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 लास्ट में 10 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ले लिया हमने 2 एंपियर के लिए 4 वोल्टेज है, ठीक है। 2 एंपियर हमने लिया है y एक्सिस में, तो y एक्सिस में 2 ये लिया, इसको आगे बढ़ाइए। हम बता रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे इसके लिए, और वोल्ट वोल्टेज क्या है, ये वोल्ट वोल्टेज, इसको आगे बढ़ाइए। कहाँ मीट किया, यहाँ पे मीट किया, ये मेरा पहला पॉइंट बन गया। फिर अगला है 5 एम्पियर और 10 वोल्ट, ये आ गया हमारा 5 एम्पियर, ये 3 है ये 4 ये 5 बढ़ाइए आगे, और इसमें है वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, इसको आगे बढ़ाइए। बात समझ आई है, यानी एक पॉइंट यह है। इसके मुताबिक अगर हम इसको ये ओरिजिन है अगला नहीं कुछ तो 0-0 होना चाहिए क्योंकि शुरू से सर्किट तो 0-0 होता है, तो शुरू में इसको हम इसको मिलाएंगे इससे फिर इससे मिलाएंगे इससे, ये मिलेगा ऐसे, और ये हमारा बन गया हमारा जो है स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिए, इससे ये हुआ कि जो इनिशियल इंक्रीजन था ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेना देना है क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन हम लिखे हैं किसी एक पार्टिकुलर सर्किट के लिए है। मतलब मुझे एक्सपेरिमेंट करने भेजा और मेरे दोस्त को भेजा तो मेरे लिए सर्किट का ये वैल्यू आए, मेरे दोस्त को कुछ और वैल्यू आ सकती है, लेकिन दोनों के केस में हमारा जो रेशियो है यानी ये स्लोप की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी। अब ये कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ये निकाले हम, ठीक। अब इसको मान लीजिए इसको मैंने मिलाने का मतलब ये है कि मैं एक ट्रायंगल फ्रेम करना चाहता हूँ, यहाँ पे बिना हम ग्राफ बनाए ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, इसलिए ग्राफ बनाना जरूरी है फिर ट्रायंगल बनाना जरूरी है। ट्रायंगल बनाएंगे तो ये क्या है ए, ये मान लीजिए बी, ये हो गया सी। अब मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, स्लोप ऑफ ए ट्राइंगल, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी का। तो स्लोप हमने पढ़ा है बचपन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस। अब ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में आता है ये वर्ड, स्लोप ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बोलो ए बी है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब नहीं वो तो हाइट, ये हाइट है ट्राइंगल का और बेस क्या है बीसी, तो लिख देंगे बीसी। तो अब जो हाइट ए बी है इसका बीच में देखिए यहाँ पे कितना था वैल्यू, 5, ये 5 था, बोलो ये 5 है और ये 2 है, तो बीच का गैप कितना है 3। इसको लिख देंगे हम लोग क्या, चेंज ऑफ ए करेंट बाय चेंज ऑफ वोल्टेज, तो ये गैप को बोल रहे हैं चेंज, क्योंकि 5 मैक्सिमम था 2 मिनिमम है, तो 5 में से 2 घटाया यानी चेंज हुआ कितने का, 5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर। बात समझ में आई, चेंज क्यों डेल्टा यूज करते हैं यहाँ पे, ये 5 माइनस 2 है और ये वोल्टेज कितना है 10 से 4 गया, तो देखो यहाँ पे 10 वोल्ट मैक्सिमम था और मिनिमम है 4 वोल्ट, तो ये कितना है 3 एम्पियर डिवाइड बाय 6 वोल्ट आया। अब ये किसकी वैल्यू है, 1/2 आया, ये आया 1/2, इसी को हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक।